अस्सलाम वालेकुम अब्बास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, जा रहे हैं कुछ रहे अब बात रहे। मेरी दिल तमन्ना है आज हम आपके लिए लाए थे गोश्त को। आई होप आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी मेरे मेटी। गोश्त को हमने जिस तरह से धो ली है, धो के एक पतीली में रख दिया है और आग जला ली है। इसमें हम कटे हुए लहसुन, छिले हुए लहसुन, प्याज और टमाटर वगैरह भी मिक्स कर देंगे। मैंने पहले ही छील के रख लिए हैं, तो अब हम उनको डालते हैं। तमाम चीज़ें अब आपके सामने डाल दी मैंने। अब हम इसमें मसाला जात भी डालेंगे। इसमें हमने नमक शामिल किया है, हरी मिर्च, लाल मिर्च का एक पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, खुश्क धनिया का पाउडर भी डाल देंगे। बॉयल होने के लिए कुछ घंटों के लिए रख देंगे। जैसे इसका पानी खुश्क होगा ना, तो तब तक ये गल जाएगा। उसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। देखें हमारा माशाल्लाह से गोश्त गल चुका है, बहुत अच्छा रंग आ गया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऑयल भी छोड़ चुका है, धनिया भी डाल दी हम लोगों ने, हल्की सी हरी मिर्च डाली है। देखें बहुत अच्छी तरह हम भुनाई कर लेनी है आप लोगों ने इस टाइम पे आकर। अच्छी तरह से बॉइलिंग हो रही है उसकी, पानी खुश्क हो गया काफ़ी हद तक। हमारा रेडी हो गया देगी कौरमा गोश्त। इजी है, बिल्कुल आसान रेसिपी।